नमस्कार, मैं टीपू सुल्तान, आप देख रहे हैं सिग्मा न्यूज। इस वक्त सिटी क्लब में मैं मौजूद हूं, जहां शपथ समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। यहां के नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी बने हैं, कुछ लोग हमसे जुटे हैं। आइए हम जानते हैं कि इस बार क्या है। अच्छा, जो नगर पालिका के चुनाव इस बार जीते हैं, उससे क्या उम्मीदें लगाई हैं और क्या परिवर्तन होगा? नगर पालिका अध्यक्ष हमारे जो जीते हुए हैं, इनसे उम्मीद तो पहले से भी अच्छा लगा था कि हम महिलाओं का सम्मान भी करते हैं, आगे नगर पालिका अच्छे तरीके से चलाएंगे, इतनी उम्मीद है। बीजेपी के नेता हमारे सर्वश्रेष्ठ महान नेता होते हैं, इनसे उम्मीद लगाना वो सर्वोत्तम होता है। ये अपने इलाके से और हर लोग के नगर नगर से सब का काम करने में समर्थन करते हैं और औरतों का सम्मान भी करते हैं, सब औरतों को मान सम्मान देते भी है। यहाँ महिलाएं भी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं और लोग उम्मीद लगाए हैं कि ये सम्मान करेंगे। तो आइए, एक लोग और हमसे जुड़ चुकी हैं, आइए हम जानते हैं इस बार नगर पालिका जो अध्यक्ष बने हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं। उम्मीदें जितने भी है उम्मीदें पर खरी उतरेंगे। श्याम सुंदर जी का स्वभाव भी अच्छा है और एक कर्मठ व्यक्ति भी है और हमारे सभासद भी ज्यादा बन के नगर पालिका में आए हुए हैं। और एक डिमांड और है कि जो हमारे मिर्जापुर नगर में जो भी लाइट वगैरह सोडियम लाइट जो जल नहीं रहे हैं, उसको नगर पालिका की तरफ से श्याम सुंदर भैया से उम्मीद है कि उसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि महिलाएं रात की रात निकलती हैं, थोड़ी सुरक्षित रहती हैं। धन्यवाद। महिलाएं कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हैं और कह रही हैं कि इस बार के जो नगर पालिका चुने गए हैं वो कार्य आगे करेंगे। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि का बुके एवं करेंगे। नीचे कर लीजिए। माननीय अपर जिलाधिकारी, आपसे आग्रह है कि स्वागत के समय कम से कम थोड़ा स्वागत करिए एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय रमाशंकर जी, मणियान के विधायक, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आप लोग ताली बजाते रहिए, ताली का भी अभिवादन। नागर मिश्रा जी, नगर विधायक, नगर मजिस्ट्रेट,